आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, कभी सीट शेयरिंग को लेकर तो कभी सीट को लेकर दिग्गज नेता ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। जहां बिहार के दिग्गज नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आशियाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया है, तो वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के पूर्व मंत्रियों के बंगले का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसमें आजीवन आवास बंगले पर पटना कोर्ट ने सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, जिन मंत्रियों को आजीवन आवासीय बंगला दिया गया है उनको हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है और 4 ही हफ्तों में जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 11 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नोटिस हुए मंत्रियों से जवाब मांगा है कि बिहार राज्य सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, तो वो अपने ही आवास पर क्यों नहीं रहते। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूपी के तरह ही बिहार के भी दिग्गज नेताओं को सरकारी बंगले से हाथ धोना पड़ेगा। अब ये तो 11 फरवरी को ही पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।